तो लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे जब मेरी आंख खुली तब मैं एक प्रिजन में कैद था, लेकिन वहां पर हीरो ब्रेन का कुछ भी नहीं पता था। इसीलिए मैं हीरो ब्रेन को ढूंढते ढूंढते एक बंदे के पास पहुंचता हूँ, लेकिन जब मैं उसका पीछा करता हूँ तब मुझे पता लगता है कि वो एक पागल बंदा था और उसे हीरो ब्रेन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन तभी एक और बंदा आता है मेरे पास और हीरो ब्रेन का पूछता है, और जैसे ही मैं उसे अपने दोस्त के बारे में बताता हूँ कि कैसे मैं अपने दोस्त के साथ यहाँ पर आया था लेकिन अभी वो यहाँ पर नहीं है, तो वो मुझे जेल की दूसरी साइड लेकर जाता है और वहाँ पर हमें हीरो ब्रेन मिल जाता है। लेकिन हीरो ब्रेन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, इसीलिए मैं उसे जैसे तैसे भी कर होश में लाकर अपने साथ वापस ले जाता हूँ। तो गाइस एक बहुत बड़ी दिक्कत हो चुकी है, क्योंकि गाइस आपको तो याद ही होगा कि हमारा दोस्त एंटिटी 303 अब इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन गाइस हीरो ब्रेन का कहना है कि वो अभी तक भी जिंदा है, और गाइस हीरो ब्रेन का कहना है कि गाइस आपको तो याद ही होगा कि जब हम लोग उन बंदों से पकड़े गए थे तभी गाइस हीरो ब्रेन का कहना है कि जो उस बंदे ने हमारे मुंह पर कपड़े लगाए थे ना जिससे कि हम लोग नहीं देख पाए, तो गाइस हीरो ब्रेन ने उस वक्त अपनी पावर यूज की थी आई की, जिसकी मदद से वो उन कपड़ों के आर पार देख पा रहा था। और गाइस हीरो ब्रेन ने जब उन कपड़ों के आर पार देखा तो गाइस हीरो ब्रेन का कहना है कि उसे वहां पर एंटिटी 303 खड़ा नजर आया। लेकिन गाइस सोचने वाली बात है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि गाइस हमारे आंखों के सामने डार्क एंटिटी ने एंटिटी 303 को जान से मार दिया था। लेकिन गाइस ऐसा भी तो हो सकता है कि हीरो ब्रेन ने कुछ और देख लिया होगा। लेकिन एक मिनट, हीरो ब्रेन, ओके गाइस लगता है कि ये बंदा ना हीरो ब्रेन को भी मेरे तरह कपड़े ला कर दिया, क्योंकि गाइस आपको तो पता होगा कि हम लोग हीरो ब्रेन को दूसरी वाली जेल से लाए हैं, और गाइस यहाँ पर ना सबके पास ही कुछ कपड़े हैं, इसीलिए गाइस किसी को भी शक ना हो हीरो ब्रेन के ऊपर, इसीलिए गाइस इस बंदे ने हीरो ब्रेन को कपड़े ला कर दिए। लेकिन भैया जी, हीरो ब्रेन और मुझे यहाँ से जैसे भी कर निकलना होगा, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम लोग यहाँ पर फंसे रहे। लेकिन भैया जी, क्या आपको कोई रास्ता पता है निकलने का? अरे ये तुम क्या बोल रहे हो, क्या तुम्हें नहीं पता इस जेल के बारे में? इस जेल में बहुत ही ज्यादा हाई सिक्योरिटी है, जिसकी वजह से आज तक इस जेल से कोई भी नहीं भाग सका, और अगर कोई भागता भी तो वो पकड़ा जाता, और जो पकड़ा जाता उसके साथ बहुत ही ज्यादा बुरा सलूक करते वो लोग। लेकिन तुम लोग ऐसे तो यहाँ से नहीं निकल सकते, क्योंकि यहाँ से निकलना इम्पॉसिबल सा है, और इस जेल में एक बहुत ही ज्यादा सीक्रेट डोर है जो कोई भी ओपन नहीं कर सकता, और उसकी की हमारे पास तो आ ही नहीं सकती। लेकिन भैया जी, आखिर कोई तो रास्ता होगा ना यहाँ से निकलने का, प्लीज कुछ सोचो। लेकिन तुम अभी ये सब छोड़ो, तुम पहले अपने दोस्त को अपने वाले जेल पर लेकर जाओ ताकि कोई देख ना ले, क्योंकि सुबह तो होने ही वाली है और मैं भी अपने केज पर जा रहा हूँ। ओके गाइस, तो इस बंदे का कहना है कि तुम अपने दोस्त हीरो ब्रेन को लेकर अपने केज पर जाओ, जब तक के लिए गाइस वो भी अपने केज पर जा रहा है। और गाइस कल उस बंदे का कहना है कि हम लोग एक साथ मिलेंगे और कुछ बातें करेंगे। लेकिन हीरो ब्रेन, ओके हीरो ब्रेन, तुम ना यहीं पर छुप जाओ कहीं पर, क्योंकि कोई देख ना ले, भाई सब दिक्कत हो जाएगी। तो गाइस अभी हीरो ब्रेन और मैं वहीं पर जा रहे हैं जहां पर गाइस उस बंदे ने हमें आने को बोला था। भैया जी, क्या आपको कुछ पता लगा इस जेल के बारे में, हम लोग कैसे निकलेंगे यहां से? हाँ, लेकिन तुम थोड़ा आहिस्ता बोलो, क्योंकि और भी बंदे यहां पर सुन सकते हैं। ओके तो सुनो, यहां से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है कि तुम्हें रोमन को हराना पड़ेगा, और रोमन यहाँ का बादशाह है जो कि इस जेल को कंट्रोल करता है, सभी लोग उसके अंडर पे आते हैं, और सिर्फ उसी के पास उस डोर की की है जो कि हमें चाहिए यहाँ से निकलने के लिए। लेकिन वो तभी यूज करता है वो की जब वो यहाँ से जाता है, और उस रोमन की लोकेशन सिर्फ एक ही बंदे को पता है, क्योंकि वो एक दफा रोमन के पास गया हुआ है, और उस बंदे का मैं तुम्हें बताता हूँ, जल्दी मेरे पीछे आओ और हमें उस बंदे से पूछना पड़ेगा, क्या पता वो हमें बता दे। ओके गाइस, लगता है कि ये बंदा अभी हमें उसी बंदे के पास लेकर जा रहा है। लेकिन क्या हुआ, क्या ये बंदा है? ओके गाइस, लगता है कि यही बंदा है जिसको उस बंदे की लोकेशन पता है। गाइस पता नहीं ये कोई तो नाम बोल रहा था, रोमन शायद गाइस। लेकिन एक मिनट भैया जी, क्या हुआ, क्या ये बता रहा है? लेकिन एक मिनट भाई साहब, हम लोग कैसे ला कर देंगे?
तो गाइज एक बहुत बड़ी दिक्कत हो चुकी है, क्योंकि गाइज इस बंदे का कहना है कि मैं तुम्हें एक ही शर्त पर बताऊंगा उस लोकेशन के बारे में। गाइज इस बंदे का कहना है कि अगर तो तुम लोग मुझे 10 डायमंड दे देते हो तब मैं तुम्हें ये लोकेशन बता दूंगा। लेकिन गाइज मसला तो ये है कि हम लोग अभी डायमंड लाएंगे कहाँ से, क्योंकि गाइज आपको तो पता होगा पहले ही इतनी दिक्कत चल रही है। लेकिन एक मिनट हीरो ब्राइन, क्या हुआ? एक मिनट गाइज, हीरो ब्राइन का कहना है कि मैं इसे डायमंड दूंगा, तुम अंदर आओ। एक मिनट हीरो ब्राइन, ओके गाइज बहुत बढ़िया, हीरो ब्राइन इसे मारो, हमसे डायमंड मांगेगा। ये ले टपोरी, तू होता कौन है हमसे डायमंड मांगने वाला? हीरो ब्राइन अभी 10 डायमंड नहीं हुए, इसे और 2 डायमंड। लेकिन एक मिनट गाइज, लगता है कि ये बंदा अब बताने के लिए तैयार हो गया है। भाई साहब गाइज हीरो ब्राइन का दिमाग चेक करो, वो इसे डायमंड देने के लिए बुलाया और गाइज इस कमरे में ले जाकर मार रहा था। लेकिन गाइज अगर हम लोग इस रूम में नहीं आते ना तो हीरो ब्राइन पक्का इसे जान से मार देता। अरे भैया जी क्या हुआ, अबे जल्दी से जा यहाँ से, क्योंकि गाइज तो अभी ये बंदा चला गया। हीरो ब्राइन क्या हुआ? भैया जी क्या आपको लोकेशन पता चल गई? ओके उत्तरी, ओके गाइज इस बंदे का कहना है कि मुझे लोकेशन पता लग चुकी है। लेकिन गाइज इस बंदे का कहना है कि हम लोग आधी रात को जाएंगे वहाँ पर, क्योंकि गाइज अभी सब लोग उठे हुए होंगे और गाइज इसीलिए हम लोग अभी नहीं जा सकते। और गाइज इस बंदे का कहना है कि अभी ब्रेक भी ओवर हो चुकी है, क्योंकि गाइज आपको तो पता होगा कि हमारी रोज़ ब्रेक होती है कुछ मिनटों की, और गाइज अभी ब्रेक ओवर हो चुकी है, इसीलिए गाइज मैं हीरो ब्राइन को ना अपने केज पर लेकर जा रहा हूँ। हीरो ब्राइन तुम इस टेबल के नीचे छुप जाओ, कोई देख ना ले। हीरो ब्राइन जल्दी। ओके गाइज ये गेट लगाने वाला बंदा भी आ गया, शुक्र है गाइज उसने देखा नहीं। हीरो ब्राइन तुम यहीं पर छुपे रहना जब तक मैं ना बोलूं। लेकिन गाइज क्या हीरो ब्राइन को उसे मारना चाहिए था? कमेंट में बताना। और गाइज ये भी बताओ कि एंटिटी 303 हीरो ब्राइन ने कैसे देख लिया, जबकि वो तो मर चुका है। लेकिन गाइज मुझे तो ऐसा लगता है कि हीरो ब्राइन का कोई वहम होगा, क्योंकि गाइज ऐसा तो कभी हो भी नहीं सकता। और गाइज इस बात को ना हमें किसी को भी नहीं बताना है, ना एंटिटी 606 को, क्योंकि गाइज। लेकिन भाई साहब हीरो ब्राइन उठो, क्योंकि टाइम तो बहुत हो चुका है और वो बंदा अभी तक नहीं आया। गाइज वो देखो सब तो सो रहे हैं, मतलब गाइज जो गार्ड है। हीरो ब्राइन जल्दी उठो, वो बंदा आता ही होगा, और अभी हमें उसी रोमन के पास जाना है। ओके गाइज तो वो बंदा आ गया फाइनली, भैया जी जल्दी हमें लेकर चलो। तो गाइज इस बंदे का कहना है कि तुम थोड़ा आहिस्ता बोलो, क्योंकि ये लोग उठ ना जाए। हीरो ब्राइन आराम से आना। ओके गाइज लेकिन भैया जी ये तो वही जगह ना जहाँ से हम लोग इस प्रिजन की दूसरी साइड गए थे, जहाँ पर एंटिटीज को रखते हैं। हीरो ब्राइन जल्दी आओ यहाँ पर। लेकिन गाइज हमारा दोस्त एंटिटी 606 और गाइज नल भी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन गाइज उन लोगों को क्या पता कि हम लोग कितनी बड़ी मुसीबत पर फंस गए। लेकिन हीरो ब्राइन, ओके गाइज लगता है कि वो जगह आ चुकी। भैया जी तो अभी हमें कहाँ पर जाना है? तुम जल्दी से वही वाला मास्क लगा दो जो मैंने तुम्हें दिया था, और हीरो ब्राइन तुम थोड़ा आराम से आना, क्योंकि तुम्हारे कदमों की आवाज बहुत ही तेज है। ओके गाइज लेकिन ये बंदा हमें लेकर तो जा रहा है। हीरो ब्राइन आराम से, उस बंदे ने कहा भी है तुम्हारे कदमों की आवाज बहुत ही तेज है। ओके गाइज इस बंदे ने ना हमें इस बार दूसरे रास्ते से लेकर आया ये बंदा। लेकिन भैया जी यहाँ पर कोई है क्यों नहीं? उत्तरी, तो गाइज इस बंदे का कहना है कि ये वाला एरिया बहुत ही दिनों पहले बंद हो गया, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत से बंदों का दावा था कि उन्होंने कुछ अजीब देखा है। लेकिन एक मिनट गाइज इस दरवाजे के अंदर क्या है? हीरो ब्राइन आ जाओ अंदर। ओके भैया जी, हीरो ब्राइन भैया जी यहाँ पर क्या है? लेकिन गाइज यहाँ पर इतना ज्यादा लेवर है, मुझे तो लगता है कि गाइज अभी ना कोई सीक्रेट वाला रूम खुलने वाला है। भैया जी जल्दी करो थोड़ा। लेकिन एक मिनट भाई साहब, इसने ये वाला ब्लॉक तोड़ा और गाइज अंदर देखो पूरी सुरंग है। भैया जी ओके गाइज लगता है कि हमें इसके अंदर जाना है। उत्तरी हीरो ब्राइन, ओके गाइज हीरो ब्राइन का कहना है कि तुम भी जाओ। उत्तरी गाइज शुक्र है कि यहाँ पर पानी था। लेकिन एक मिनट भाई साहब, गाइज यहाँ पर देखो। गाइज मुझे तो ऐसा लगता है कि हमें ये पार करना पड़ेगा। हीरो ब्राइन पहले तुम जाओ। ओके गाइज अब ये बंदे की बारी है, उसके बाद मैं जाऊंगा। हीरो ब्राइन थोड़ा आराम से, कहीं तुम लावा में ना गिर जाओ। और गाइज अगर तो ये बंदा गिरता है तो उत्तरी। ओके गाइज तो हम लोग पहुंच गए। हीरो ब्राइन ओके आगे क्या है?
लेकिन गाइस आगे तो दरवाजा बंद है मेरे ख्याल से। हीरो ब्राइड क्या हुआ? उत्तरी गाइस यहाँ पर भी एक टनल टाइप कुछ है। हीरो ब्राइड मैं भी आ रहा हूँ, लेकिन एक मिनट भाई साहब, यहाँ पर तो पूरा लेवर से भरा हुआ है ये रूम। हीरो ब्राइड ये कैसा रूम है, यहाँ पर इतने ज्यादा लेवर है? उत्तरी तो गाइस हीरो ब्राइड का कहना है कि तुम दोनों सारे लिवर्स को दबाते जाओ, क्योंकि कोई ना कोई एक लिवर ऐसा होगा जिससे यहाँ पर कोई सीक्रेट वाला रूम खुलेगा। क्योंकि गाइस हीरो ब्राइड का कहना है कि उसे पहले भी ऐसे रूम मिल चुके हैं। हीरो ब्राइड ओके गाइस मैं लिवर तो दबा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर तो एक भी दरवाजा नहीं खुल रहा। लगता है गाइस हीरो ब्राइड ने भी सारे लिवर दबा कर देख लिए। हीरो ब्राइड क्या हुआ? लेकिन गाइस भैया जी, उत्तरी भाई साहब, गाइस इस बंदे ने एक लिवर दबाया और गाइस यहाँ पर एक रूम खुल गया। हीरो ब्राइन जल्दी चलो। और गाइस आप लोग ना अगर यहाँ तक भी वीडियो देख रहे हो तो कमेंट में एक दफा हीरो ब्राइन लिख दो। भाई साहब देखते हैं कितने बंदे हीरो ब्राइन को इतने मिनट तक देखते हैं। लेकिन हीरो ब्राइन एक मिनट, भैया जी क्या ये वही रूम है रोमन का? हीरो ब्राइन तेरी तो गाइस इस बंदे का कहना है कि ये तो वही रूम है और वहाँ पर वो वाली की भी पड़ी हुई है जो कि हमें चाहिए। लेकिन गाइस वो बंदा यहाँ पर नहीं है रोमन। गाइस लेकिन हीरो ब्राइन रुको, कोई ट्रैप भी हो सकता है यहाँ पर। ओके गाइस तो हमें ना ये वाली की उठानी। लेकिन एक मिनट भाई, हीरो ब्राइन गाइस ये तो लगता है कि वही बंदा है रोमन। लेकिन एक मिनट गाइस ये क्या बोल रहा है? भैया जी प्लीज हमें वो की दे दो, क्योंकि हम लोग लड़ने के मूड में नहीं है। तुम लोग को क्या लगा ये की लेना इतना आसान है? पहले मुझसे तो लड़की दिखा बच्चे, फिर मानू तुझे। तुम लोग की हिम्मत कैसे हो यहाँ पर आने की? हीरो ब्राइन आज तो तू गया बेटे। लेकिन गाइस ये बंदा तो हीरो ब्राइन को मारने लग गया। हीरो ब्राइन बचकर, ओके गाइस हीरो ब्राइन ने तो अपने कपड़े भी उतार कर फेंक दिए वो वाले। और लेकिन भैया जी क्या हुआ? ओके गाइस इस बंदे का कहना है कि हमें उस की तक जैसे भी पहुंचना है, जब तक ये लोग लड़ रहे हैं हम लोग उस की तक पहुंचते हैं। लेकिन ओके भैया जी ये खतरनाक तो हो सकता है, हीरो ब्राइन इसे संभाल कर रखना, इस टोपोरी को मार दो। लेकिन भैया जी क्या हुआ? ओके गाइस मैं इसकी, लेकिन एक मिनट यहाँ पर तो पासवर्ड मांग रहा है, हम लोग इस केस को नहीं उठा सकते। ओके गाइस इस बंदे का कहना है कि फिर हमें इंतजार करना पड़ेगा। हीरो ब्राइन मारो इसे। गाइस हीरो ब्राइन ने ना अपने कपड़े भी उतार कर फेंक दिए वो वाले। और गाइस हीरो ब्राइन को ना बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था, क्योंकि गाइस ये कब से बकवास किया जा रहा था। और गाइस हीरो ब्राइन भी इसके ऊपर चढ़ गया। लेकिन हीरो ब्राइन हाथ से मार रहा है जबकि उसके पास एक स्वॉर्ड है। लेकिन गाइस ये आज का बच्चा हीरो ब्राइन को कैसे हरा पाएगा? क्योंकि गाइस आपको तो हीरो ब्राइन के बारे में पता ही है। भैया जी हीरो ब्राइन तो जीत जाएगा, मैं आपको सच बता रहा हूँ। और ये जो रोमन है ना ये इतना पावरफुल नहीं हो सकता। उत्तरी गाइस हीरो ब्राइन को देखो भाई। गाइस हीरो ब्राइन तो उसे हाथ से इतने दूर पटक दे रहा है उठाकर। और गाइस वो स्वर्ड लेकर भी कुछ भी नहीं कर पा रहा हीरो ब्राइन का। हीरो ब्राइन मार दो उसे। लेकिन गाइस वो देखो हीरो ब्राइन एक ही मुक्का मार रहा है, वो इतने दूर जाकर फेंका रहा है। गाइस लगता है कि उसने हीरो ब्राइन को गुस्सा दिला दिया। आज तो तू गया बेटे, बहुत ही बोल रहा था ना ये बंदा। लेकिन एक मिनट हीरो ब्राइन, लेकिन भाई साहब एक मिनट। गाइस हीरो ब्राइन ने उसे उठाकर बहुत ही तेज से पटक दिया जमीन पर। लेकिन एक मिनट गाइस ये हीरो ब्राइन लाइटनिंग फेंक रहा है उसके ऊपर। हीरो ब्राइन और गाइस हीरो ब्राइन ने ना अपने वाले कपड़े भी पहन लिए दोबारा से। लेकिन एक मिनट गाइस ये तो बंदा जल रहा है। और गाइस लाइटनिंग की वजह से इसका हाथ भी कट कर गिर गया। हीरो ब्राइन क्या हुआ? हीरो ब्राइन ये तो मर चुका मेरे ख्याल से, लेकिन अब हमें पासवर्ड कौन बताएगा और हम लोग वो की कैसे ले पाएंगे? हीरो ब्राइन बेचारे का पैर भी तुमने काट दिया। लेकिन एक मिनट हीरो ब्राइन क्या हुआ? एक मिनट भाई गाइस ये तो टूट भी नहीं सकता था ब्लॉक, और गाइस हीरो ब्राइन ने एक ही मुक्के में तोड़ दिया। ओके गाइस तो अभी ना हीरो ब्राइन का कहना है कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। और गाइस इस रोमन को तो हमने, लेकिन एक मिनट हीरो ब्राइन, लगता है गाइस सब लोगों को पता लग चुका है कि हम लोग यहाँ पर घुस आए। और गाइस सबको पता लग चुका है कि हम लोग जेल छोड़कर यहाँ पर आए हुए हैं। लगता है गाइस अभी ना सब लोग हमें मारने के लिए आते ही होंगे। हीरो ब्राइन निकलो।
ओके गाइस, तो अभी हम लोग जेल पर तो आ चुके हैं, लेकिन गाइस वो बंदा ना हमें लेकर जा रहा है दूसरे रास्ते से। और गाइस उस बंदे का कहना है कि जो हमारे पास की है ना, तो वो जल्दी से यूज कर देना वहां पर। लेकिन भाई साहब गाइस सारी पुलिस मेरे पीछे लग चुकी है। हीरो ब्राइन मारो इनको। ओके गाइस, हीरो ब्राइन ने एक को मार दिया, हीरो ब्राइन। लेकिन गाइस अभी, लेकिन एक मिनट भैया जी, क्या मुझे यहीं पर की यूज करनी है? ओके उत्तरी भाई, हीरो ब्राइन भागो। लेकिन एक मिनट हीरो ब्राइन, मैं तो गया, मैं गया।